गीत पुराना है, और जब अच्छी चीज होती तो निद्रा महारानी आती है, उससे अगर आप लोग संभल गए तो इस गीत हो सकता है कुछ पंक्तियां आप लोगों के दिलों में छूट जाए। सुने सुने मऊ रानीपुर की जनता है, इसको नींद नहीं आनी। एक गीत बजा था कौन सा, कि खोई वो किताब दिल गाइएगा, जो कुछ लगा रहा हूं अपना लगा रहा हूं। सुने हो निसा पानी धापा मगर सगर सनिस पानी सापा मगर सगा साधना जी, ये गीत मैंने स्वयं लिखा है। दादा, अगर कहीं गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, मैंने अपने द्वारा लिखने का प्रयास किया है। अब जिस समय श्रवण की लालसा लेकर उनके माता पिता के पास दशरथ जी पहुंचे, वो कहा अपने पुत्र की लालसा को ग्रहण करो, एक लोटा जल इसे ग्रहण करो, तुम्हारा पुत्र अनजाने बस मेरे द्वारा मारा गया। अब उनके माता पिता को क्रोध है, और क्रोध के साथ में दुख भी है। और क्रोध में दशरथ से कहने लगे क्या जल्दी, भव सागर में जीवन फंसा, फसा
आस टूटी किनारे की, ज्योति नैनों से ओझल हुई, टूटी लाठी सहारे की। लाठी पुत्र को कहा जाता है सहारा, कह रहे हैं वो ज्योति नैनों से ओझल हुई, टूटी लाठी सहारे की। ये जल मन पुवन मेरा जल रहा, नैनों का नीर पीने से, मन पुवन मेरा जल रहा, मन पुवन मेरा जल रहा, नैनों का नीर पीने से। और जब मेरा पुत्र ही मेरे पास नहीं रहा तो मर जाना मेरा अच्छा, यूं मर मर के जीने से। मर जाना मेरा अच्छा, यूं मर मर के जीने से। मर जाना मेरा अच्छा, यूं मर मर के जीने से। अगर उनके मुंह से निकला कि मर जाना मेरा अच्छा यूं मर मर के जीने से, तो उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे चलकर जब प्रभु राम वनवास जाने लगे, दशरथ कह रहे कि मेरे राम को कोई रोक ले, रोक ले, कोई नहीं आ रहा। कैकेयी की तरफ दशरथ देखते हैं और कहते क्या है, सुने सुने। लाज राखी न रघुकुल की, मान सम्मान इस कुल का माटी में मिलाया है। दशरथ जी कह रहे हैं हो गई बेवफा मुंदरी, हो गई बेवफा मुंदरी, आज अपने नगीने से। मैं नगीना था, तू मेरी मुंदरी थी, लेकिन आज हो गई बेवफा मुंदरी, हो गई बेवफा मुंदरी, आज अपने नगीने से। और जब मेरा राम मेरे पास ना रहा तो मर जाना मेरा अच्छा, यूं मर मर के जीने से।
साधना जी दो टुकड़े बताए और दोनों में अगर उन्होंने कहा मर जाना मेरा अच्छा यूं मर मर के जीने से तो मर गए। अब तीसरी बात देखिए, शिव संकल्प कीन मनमाही एहितन सती भेंट अब नाही। ये क्या बात है, एहितन सती भेंट अब नाही। जब ये बात आई लोग कह देते हैं कि पति का अपमान सह ना सकी और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि माता सती इस बात को जान गई थी कि एहितन सती भेंट अब नाही। अब देखिए माता सती अपने मन ही मन सोच रही है, प्राण पति प्राण मेरे मगर राधे श्याम भैया ये तो जानते हो जब लगातार कार्यक्रम गाओ एक दिन का गैप मिल जाए तो उसका असर नहीं होता। अब सुने, लेकिन हम कलाकार आदि हो गए हैं, सुने। प्राण पति प्राण मेरे मगर प्राण बिन लगती काया है। सती जी सोच रही हैं, हमसे नजर मेरे स्वामी ने ये नजर मुझको आया है, मूरत संग हुआ ओझिल मन मंदिर है सीने से, संग हुआ ओझिल मन मन मंदिर है सीने से। और जब पति ने मेरा त्याग कर दिया तो पति के सिवा मेरा है कौन, इसलिए मर जाना मेरा अच्छा यूं मर मर के जीने से। मर जाना मेरा अच्छा यूं मर मर के जीने से। अगर गीत अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो जबरदस्ती ना करिएगा। धन्यवाद है, आइए। जय हो, जय हो। ये देखिए आदरणीय भैया जी की ओर से एक पुष्पहार। हालांकि अगर ये पुष्पहार हमारे विद्वान जनों, हमारे बुजुर्ग जिनके बताए हुए मार्ग पर हम दोनों कलाकार चल रहे हैं, ये पुष्पहार अगर उनके गले में पड़ता तो शायद हम लोगों को इससे ज्यादा आनंद आता, लेकिन ठीक है, ये बड़ों का आशीर्वाद मान के हम जवाब। और क्या, ये है मेहनत। Yeah!
कि खोई वो किताबें दिल और जिस दिल का है वो किस्सा कि मैं पूरा करूं कैसे कि मैं पूरा करूं कैसे इस दिल के फसाने को क्या बात है यार आपके गीत को मैं निभा रही हूँ मुझे पीने जब ये लाइन आई तो लाला लाला कह दिए क्या बुराई थी लाला लाला कहने क्या जरूरत थी मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को कह देना चाहिए था नहीं सच्चाई सब लोग जान जाएंगे ना मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने मर के जीने से तीन प्रसंग आपने दिखाया है राजा दशरथ कैकेयी राजा दशरथ अश्रवण के माता पिता फिर तीसरा प्रसंग दिखाया यह तन सती भेंट अपना है तीसरा प्रसंग दिखाया बहुत बढ़िया अब देखेगा प्रयास देखेगा अपनी ओर से क्योंकि जटायु ने भगवान श्री राम से कहा क्या जटायु जो जटायु है घायल अवस्था में पड़ा है देखा भगवान श्री राम ने और कहा कहा क्या है जाना कर दूं तुझे कहा मैं जिंदा कर दूं तुझे जटायु कहने लगा भगवान श्री राम से कि हे प्रभु है जाना जहां मर के और पास खुद ही वो हे प्रभु कि खेला मेरे लिए कहा खोला मेरे लिए स्वामी प्रेम के उस खजाने को आप मरने की बात करते हो ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है लेकिन इधर देखिएगा जटायु कहने लगा भगवान श्री राम से कि हे प्रभु कि खोला मेरे लिए स्वामी
के उस खजाने को ये कि भाग से मौत ऐसी मिली कि भाग से मौत ऐसी मिली आप कहते जिलाने को ये अरे अरे जिसके आज छत्र छाया में लेटने हैं उस जटायु को कन्हैया अपने क्षमा की जगह भगवान श्री राम अपने गोद में लिए हैं उस जटायु को तो कहने लगा जटायु कि भाग से मौत ऐसी मिली भाग से मौत ऐसी मिली आप कह दे जिलाने को अरे मैं तो तर रहा हूँ जहाँ भगवान की छत्र छाया हो तो वहाँ कहने की क्या बात है। अब देखिएगा दूसरी बात उधर बाल ने कहा भगवान राम से जब सात ताड़ के वृक्षों के आड़ से बाण मार दिया भगवान श्री राम ने। अब देखिएगा बाली ने क्या कहा भगवान श्री राम से कहा क्योंकि कि करते लाखों यतन मुनि जन जाने तो उसको परेशान न करो। बाली कहने लगा भगवान श्री राम से कि प्रभु कि करते लाखों यतन मुनि जन पर वो मिलता मुकाम नहीं। कितनी तपस्या करते हैं मुनि जन आपके दर्शन के लिए लेकिन वो मुकाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं समय में नहीं निकलता है। आज आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं तो मेरा भाग्य तो देखिए। बाली कहने लगा भगवान श्री राम से कि मेरा भाग्य तो देखिए क्या कि आज आए स्वयं रघुवर कि आज आए स्वयं रघुवर भाग मेरा सजाने को आज आज आए स्वयं रघुवर भाग मेरा सजाने को कि भाग से मौत ऐसी मिली कहां भाग से मौत ऐसी मिली और आप कहते अरे अब मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। बाल ने भी कह दिया कि भाग से मौत ऐसी मिली आप कहते जिलाने भाग से मौत ऐसी मिली आप कहते जिलाने भाग से मौत ऐसी
बोले शंकर भगवान की।